नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बजट के मुख्य 2023-24 कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए वर्ष 2023-24 में कृषि बजट पेश किया गया, जिसमें कृषि उद्यान, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जल संसाधन, ऊर्जा, सहकारिता, पशुपालन एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभागों की गतिविधियों को शामिल करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा जन जन तक कृषि बजट 2023-24 का व्यापक प्रचार प्रसार करने एवं योजनाओं की जानकारी देने व निर्धारित लक्ष्यों को समयावधि में पूर्ण करने के निर्देशों की अनुपालना में आज दिनांक 6 अप्रैल 2023 को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में चंद्रावती कंवर जिला प्रमुख के मुख्य अतिथि में एवं मुकेश चौधरी अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला प्रभारी अधिकारी H.S. मीना, संयुक्त निदेशक कृषि रसायन मुख्यालय, कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा कृषि विभाग व उद्यान विभाग की बजट घोषणाओं एवं विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया एवं बताया कि मुख्यमंत्री कृषक कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ कर दिया गया है। बजट घोषणाओं में कृषि क्षेत्र की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए संचालित 12 मिशनों की जानकारी दी गई। जैसे अपना कृषि विभाग तो मुख्य है ही, उसके अलावा उद्यान विभाग है, कृषि विपणन विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, जल संसाधन विभाग है, ऊर्जा विभाग है, सहकारिता विभाग है, पशुपालन विभाग है और जनजातीय केंद्रीय है। इसकी घोषणाएं बाकी घोषणाएं और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हमको डायरेक्शन ये दिए गए हैं कि हम मिशन मोड में काम करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। बाकी तो बहुत सारी योजनाएं चलती है, कई सारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती, उतरती भी है तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। तो मिशन मोड में सबसे पहली विशेषता इस बजट की है कि मुख्यमंत्री कृषक कल्याण कोष की जो राशि पिछले बजट में 5,000 करोड़ रुपए थी, उसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 7,500 करोड़ किया। और कृषक कल्याण कोष का मतलब ये है कि हमें विभिन्न विभागों को वैसे तो बजट मिलता ही है, लेकिन किसी भी योजना में यदि हमें बजट नहीं मिलता है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा नहीं, हम अलग से व्यवस्था करेंगे और कृषक कल्याण कोष के माध्यम से जहाँ कहीं भी बजट की कमी रहेगी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो मिशन है वो 12 मिशन है, 11 मिशन तो लास्ट ईयर की घोषणा में शामिल किए गए थे। उनमें जो है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है, क्योंकि हमारा जो है कृषि का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है और जो सबसे ज्यादा आपका सभी अधिकारी कर्मचारी, मैं यहाँ पर बजट घोषणा 23-24 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो दिया गया है उसका अभी हमारे जॉइंट साहब ने आपको पहले संक्षिप्त रूप में है तो प्रस्तुत किया गया था, उसका मैं विस्तृत विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वर्ष 22-23 में शुरू किए गए 11 मिशनों को निरंतर संवर्धन मिशन पालन करना प्रस्तावित है। पहला राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, आगामी 2 वर्ष में मारकुंड और अंतर्गत 50,000 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है, देने का प्रावधान रखा है। पिछले 22-23 में राज्य के लघु सीमांत कृषकों को अधिकतम 73,500 रुपए तक जोड़ सा हमारे संभाग से हॉर्टिकल्चर विधायक मुख्यालय पधारे और समर्थ जनप्रतिनिधि हमारे अन्य विभागों के पधारे, सभी अधिकारी कर्मचारी, मैं बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के संबंध में हॉर्टिकल्चर के संबंध में मैं कुछ बताना चाहूँगा। 24 ओवर एक्सप्लोजिव भूजल ब्लॉक से लगभग 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में संपूर्ण रूप से सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप एंड स्प्रिंकलर के तहत सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र के क्लस्टर और सौर ऊर्जा आधारित कम्युनिटी एवं लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, इससे 25,000 किसानों को लाभ होंगे, इन पर 250 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। अपने जो सक्षम सिंचाई जो इसमें सूक्ष्म सिंचाई जो ड्रीप है, मिनी फवारा है, पोर्टेबल फवारे हैं, जो भी चीज़ें हैं ये किसानों के लिए तकनीकी विधि से जो भी खेती करना चाहेंगे, क्योंकि अब जो समय आ गया जो पुराना पैटर्न है उसके न करके अब जो टेक्निकल चीज़ें अपने को बनाना है कि क्वालिटी और क्वांटिटी तभी आएगी जब आप तकनीकी रूप से कोई खेती करेंगे।
जैसे भी बड़े आप बूंदी में काफी लोग कर रहे हैं, अभी कुछ एरिया है जिस मानव क्षेत्र में, तो वहाँ ट्रिप लगी हुई है, मंच लगी हुई है, और मंच में सभी को नमस्कार। कृषि विभाग की मुख्य योजना है, उनकी जानकारी पाइपलाइन, सिंचाई पाइपलाइन में एक किसान को अपन 15,000 का अनुदान है और लघु सीमांत उसको 18,000 का अनुदान है। इस बार अपने जिले में 340 किलोमीटर के लक्ष्य थे, 320 किलोमीटर के लक्ष्य हासिल कर लिए। 20 किलोमीटर लक्ष्य इसलिए हासिल कर पाए पर वो थोड़े एससी के थे, अपने पास एससी की कंप्लीशन कम थी। तारबंदी में भी बड़ा अच्छा काम किया। इस बार हमने अपने जिले में 2,17,000 का टारगेट था, उसमें नॉन सी ए डी के थे 95,000 का टारगेट, बाकी उसके थे सी ए डी के। उसमें अपने नॉन सी ए डी में 95,000 के लगे, उसमें 1,05,000 का टारगेट अच्छे बने था। थोड़ा दिक्कत अपने नॉन सी ए डी में, सी ए डी एरिया में रहती थी, वहाँ थोड़ी एप्लीकेशन कम आई थी। बाकी यह समूह भी करना चाहता हूँ, एक किसान ज़्यादा आदमी हो, कितने किसान आदमी हो सकते हैं, और इसमें एक किसान को लघु सीमांत 18,000 और अगर सिंगल चर्चा करने का। परमकोण में अपने जिले को 100 के टारगेट मिले थे, तो अपना जिला लगभग कमांड में आता है, मतलब लगभग अपने 34 के आसपास ही परमकोण बन चुके इस बार, मतलब ये थोड़ा अपना पीछा है थोड़ा इसमें प्रोग्रेस में परमकोण में। इसमें अपन अन्य किसान को देते हैं 6,000 रुपये और लघु सीमांत को उसको 73,500 रुपये देते हैं। इसमें मिनिमम 0.3 एकड़ जमीन चाहिए एक ही किसान को। जिप्सम मतलब दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, उसके लिए दे सकते हैं एक किसान को मैक्सिमम 2 एकड़ दे सकते हैं, मतलब 1 हेक्टर में 5 बैग है, 2 एकड़ हो गए 50% दे सकते हैं। इसके लिए हमारे कस्टमर से संपर्क करेंगे और बढ़ाने की पर्ची आपको जीएसएस के मिल जाएगी। फसल बीमा में मेन मुख्य यह है कि अपने जो खरीफ है, इसमें खरीफ में इतना प्रीमियम आता 2% और रबी के अंदर आता है लगभग 1.5%, और जो कॉमर्शियल ग्रोप है जैसे हॉर्टिकल्चर, उनके लिए 5% आता है। 2020 के पहले तो क्या सभी का कंपल्सरी था बीमा, 2020 से ही जो किसान अगर बीमा नहीं कराना चाहता है तो वो किसान बैंक में जाके लिख के दे दे, एप्लीकेशन लिख के दे, उसका बीमा नहीं होगा। और गे रेडी है उसके लिए इतनी प्रावधान इस बार, और इसमें जो प्रावधान है उसमें कवर होते हैं मेन वो है जल भराव है, बादल फटना, प्राकृतिक आपदा, हवा करना, वो चिपल से नुकसान हो या खेत के ऊपर कोई फसल पड़ी हो उसमें जिसमें कटी हुई, जैसे अभी मुझे बरसात हुई थी, उसके लिए अपन उसको ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, वो रिकॉर्ड रहेगा उससे अच्छा रहता है। उसमें अपन अगर एप्लीकेशन देते हैं विभाग में तो भाई उससे दिक्कत रहती है, लेकिन वो ऑनलाइन रिकॉर्ड अच्छा है। इस बार अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत मीटिंग करके किसान को बहुत अपन ने आगे बताया गया है, उनको पता था कि ऐसा बने। कृषि यंत्र में भी लगभग अपने अच्छा है, 95% जो बजे का टारगेट था अपने किसे जिले में किसान की आवेदन बहुत ज़्यादा है, कृषि यंत्र के अपने टारगेट बहुत कम है इसमें। इसमें लगभग अपने अन्य किसान के लिए 10,000 रुपये प्रावधान है या 50% जो भी है, 40% या 10,000 जो भी रोटावर के लिए अन्य किसान मल्टी क्रॉप थ्रेसर 3,000 उसी तरह डीएपी की मांग अपनी इस बार 20,000 एमटी की रहेगी, एमओपी की रहेगी 6,000 एमटी की, एनपी की रहेगी 1,100 एमटी की, और एसएसपी की रहेगी 17,000 मेट्रिक रहेगी। अपने बीज की मांग रहेगी, सोयाबीन की रहेगी 25,000 क्विंटल, मक्का की रहेगी 6,500 क्विंटल, उड़द की रहेगी 2,000 क्विंटल, मूंग की रहेगी 3,500 क्विंटल, तिल की 10 क्विंटल, धान की 6,600 क्विंटल और बाजरे की 80 क्विंटल।